हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, बच्चे भी सो रहे हैं और बांट गई क्योंकि दूध ख़त्म हो रहा था। दूध लेके आई पहले दुकान से जाके, फिर मैंने दूध वाला। अब आज सोनू जी की भी छुट्टी है तो सो रहे हैं अभी। और मैंने यहाँ अभी चाय बना रही हूँ और ये बना रही टोस्ट। सोनू जी को पता नहीं है कि टोस्ट मैं बना रही हूँ, क्योंकि मोस्टली टोस्ट वही बनाते हैं। तो अभी हम बना रहे नाश्ता, उसके बाद करेंगे काम वगैरह अपना। तो गाइस, आज हो सके तो शायद मैं बच्चों के जन्माष्टमी के लिए भी कपड़े कुछ खरीदने जाऊंगी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। आज शायद 21-22 तारीख है। तो गाइस, ये ले आई मैं नाश्ता बना के, और ये देखो ये उसको बिठा रहा है। तो आ गया, उठाओ बेटा उठाओ। देख रहे हो गाइस, सारी दीवार का क्या हाल कर रखा है मेरा। गगन गगन गगन, ओ लको लको, भैया उठाओ, भैया उठाओ, जल्दी उठाओ, बोलो भैया उठो, खाना खा गया, बोलो नाश्ता खाओ, चलो उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। ए गगन गगन, भैया उठाओ, जल्दी उठाओ। तो गाइस, आज सुबह सुबह मैंने अपने घर वाइफ को बोला कि भाई मेरा हाथ देखो, ये धूप से थोड़े काले हो रखे हैं और फेस भी हो रखा। मैंने कहा यार कुछ करो, ये आपका इतना हुनर किस काम आएगा, पार्लर का काम से। तो गाइस, ये आप आज करने वाली है ब्लीच। वैसे गाइस, आप सबको मतलब काफी लोगों को पता नहीं होगा, शायद फर्स्ट टाइम पता लग रहा होगा कि मैंने भी पार्लर का कोर्स जो है पूरा कर रखा है। पहले मैं शादी से पहले मैं पार्लर का ही काम करती थी, बट मैंने काफी टाइम हो गए छोड़े हुए। तो फिर आज इन्होंने कहा कि आपका हुनर किस दिन काम आएगा, जब मैं आपके होते में बाहर जाके अपना क्लीन अप करवाऊँ। तो प्लीज आप, नो नो नो, प्लीज डोंट टच, गो रूम में, चलो जाओ। बुड्ढा भैया अंदर है ना, मामा बस 5 मिनट में आ रही है पापा के साथ, अभी आ रही है, जाओ। तो गाइस, ये आज सोनू जी करवा रहे हैं ब्लीच, ये होके रहेंगे, बहुत ही लग रहा है आज ही गोरे हो जाएंगे। इन्होंने मुझसे सुबह सुबह कहा कि आज तो मेरा ब्लीच करके रहो, मेरा फेस क्लीन कर। काफ़ी टाइम से कह रहे थे मेरा फेस क्लीन करो, बट मैं कर नहीं पा रही थी। तो आज इन्होंने फाइनली मुझे पकड़ लिया है कि मैं जो है इनका ब्लीच करूँ। तो बच्चे सब खेलने में लगे पड़े थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम है थोड़ा सा, तो मैं आपको लगा देती हूँ। गाइस, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैडम आपके पे इतना टाइम कैसे मिल जाता है, बच्चों उनके बाद भी मतलब आप अपने फेस का भी ध्यान रख रहे हो। तो गाइस देखो, थोड़ा बहुत टाइम खैर निकालना पड़ता है, ऐसे तो व्यस्त रहे तो 1 सेकंड का टाइम नहीं निकलता, पर थोड़ा बहुत टाइम खुद के लिए भी निकालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इनको भी लगाया था और फिर मैंने अपना भी लगाया था, और फिर हम दोनों लगाने के बाद हम काम कर रहे थे। सबसे बड़ी बात तो हम ये नहीं कि हम लगाने के बाद हम रेस्ट कर रहे थे, नहीं, काम कर रहे थे ब्लीच लगाने के बाद। तो इसलिए लगाए, काफ़ी टाइम बाद लगाया, ताकि थोड़ा सा फेस जो है वो क्लीन हो जाए। फिर मैंने इनका क्लीनअप भी किया था, तो बिकॉज क्योंकि मुझे आता है ना, इसलिए क्लीनअप करा, तो मैंने इनका क्लीनअप भी कर रही थी। तो मैं इस टाइम आप लोग को ओरिजिनल वॉइस नहीं सुना पा रही थी, क्योंकि ना बच्चे जो हैं वो चुप नहीं हो रहे थे, तो उनको चुप कराने के लिए जो कार्टून चला रखा था, तो इसलिए जो है बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने इसको जो है म्यूट कर दिया। तो देखो सोनू जी बड़े आनंद ले के, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा आपको जो है मेरा पार्लर भी। तो गाइस, ये देखो बुड्ढों की हमने नई चप्पल लेके आए थे, और ये मैडम जो है ना दूध छोड़ दिया अपना, ये देखो, और चप्पल चप्पल ही छोड़ रही, और तो अपनी तो लो लो, पर गगन की क्यों ले रहे हो आप? ना देना देना दे दो ना गुगु। हे गुगु, तुम्हारी चप्पल देखो, ये ले लो, चप्पल ले लो, हाँ ले लो, हाँ वही वाला है, हाँ वो ले 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 लो ले लो, हाँ ले लो, ला दे करा, ला दियो जरा, दे दे यार, दे हट, ले दे ले ले दिया था, ले दिया कर गौरव, चप्पल ले लो ए नौटंकी भाई, अरे लग जाएगी आपको, आप दो ये भाई साहब, आज ना सोने की लग रहा, चप्पल लेके साथ में सोएंगी मैडम। तो चलो गाइस, सुलाते हैं इनको, लाइट वाइट बंद करें ताकि सोए, हमें भी नींद नहीं आ रही बहुत तेज। बेटा हम तो जा रहे सोने के लिए, बेटा आप चप्पल से मस्ती करते रहो, मॉर्निंग कर देना ऐसी, चप्पल गुद्दू टूट गुद दे लो गगो, ना देखो
ले 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 ना जोड़ा ले ले वाली तो दूंगा नहीं जो नई वाली है मेरे पास दिखाऊं देख ले तो कुत्ता है ये गौरव की है अब क्या होगा तुम्हारे पास तो वो वाली चप्पल है मेरे पास तो ये वाली चप्पल है अब कौन सी लोगे गली लोगे वाली लोगे हैं गली लोगे ला दे दो गली ले नहीं लोगे वो ये अच्छी चप्पल है बाबू धीरे ना चल दूध आप तो इधर आओ आप कहाँ चले गए बीच में इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आके लेट के दूध पियो आप मम्मा की गोदी में आ जाओ बस ये चप्पल ले लो गली ले लो हाँ दूध देंगे पर चप्पल चले तुम दूध पियो ये चप्पल नहीं लोगे वाले तो गुड्डा है बहुत बदतमीजी हो रही है मम्मा थप्पड़ मारेंगी बहुत तेज आपको समझ आ रही है गाइस गुस्सा बहुत गंदा गुस्सा इसका बहुत तो गाइस बच्चे सो चुके हैं रात का टाइम अभी बज रहे होंगे 1:30-2 बजने वाले होंगे अभी बच्चों को सुला के मैं रूम से बाहर आई हूँ पता है क्या तो बच्चे इतने लेट क्यों होंगे सोने में मैं खाना बनाने जा रही थी उसी टाइम 10 बजे लाइट चली गई फिर हम मम्मी के घर गए मैं फिश लेके आई थी तो मैं फिश सिर्फ वॉश करके रखा ही था और मैं बनाने जा रही थी इतने में लाइट चली गई क्योंकि यहाँ खम्भे पे लाइट आग लगी थी तो इसलिए लाइट चली गई फिर हम मम्मी के घर गए बच्चों को लेके वहाँ गए तो वहाँ बच्चे इतने ज़्यादा परेशान में खाना बना रही क्योंकि ना वहाँ पे खाना बनाना चाहिए ना रूम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बच्चे गर्मी के मारे इतने परेशान हो गए थोड़ी देर तो खेलते रहे बट ज़्यादा देर नहीं रह पाए और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था करीबन 11:30-12 बज रहे थे फिर मैंने कहा कि काम करती हूँ मैं सिर्फ फ्राई करके इसको मैं ले जाती हूँ फिर वहाँ से पहले यहाँ से मैं कच्चा लेके गई फिर मैंने वहाँ जाके फ्राई किया फिर वहाँ से सिर्फ ओनली फ्राई करके मैं घर लेके आई अरे बाहर बारिश हो रही है आवाज़ आ रही है बारिश की तो मैं फ्राई करके लेके आई और फ्राई करके फिर मैं घर पे आई जब घर पे आई देखो मैं दिखाती हूँ आपको हमने खाना भी नहीं खाया वहीं पे मम्मी के घर पे थोड़ा बहुत तो राइस खा लिया था हमने उसके बाद और देखो मैंने आके फिर ये मैंने रेडी किया था मसाला बट वो भी नहीं हो पाया ये देखो कैसे पड़ा इसको फ्राई करके रखा है और ये मसाला रेडी कर रही थी मैं बट नहीं हो पाई क्योंकि घर आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया और जिससे कि मैं नहीं बना पाई सोनू जी कह रहे हैं सोनू जी ने बोला कि रहने दो मत बनाओ हमने वहाँ से वैसे थोड़ा सा राइस खा लिया था और फिर घर आए तो फिर सोनू जी बस थोड़ी सी फ्राई फिश खा लिए इतना सीरियसली गाइस लाइट चली जाती है ना बहुत ही ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं हम तो चलो ठीक है हम तो एडजस्ट कर लेंगे बट ना बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं उस बीच में सोच रहे हैं कि मतलब इन्वर्टर लगाना पर आप सडनली इन्वर्टर लगाने में अभी नहीं भी कुछ तो 15,000-20,000 तो लगते 15,000 तो लगना है इन्वर्टर लगाने में तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा डिनाई कर रही हूँ कि थोड़ा सा और टाइम निकल जाए थोड़ी सी दिक्कत है अभी मेरे को इसलिए मैं अभी नहीं लगवा पा रही बट हाँ इन्वर्टर लगवाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे का मैं बच्चों से कौन मैं बहुत परेशान कर देते हैं यहाँ से वहाँ लेके भागो फिर वहाँ से यहाँ लेके आओ ऐसी रात को लाइट गई थी 2 से 5 बजे तक मैं इतनी परेशान होगी ऊपर से पता क्या होता है बच्चे जो है ना कंटिन्यू रोते रहेंगे एक तो अंधेरा लाइट चली गई दिमाग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना कि मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ इतना इरिटेटिंग लगता है उस टाइम पे हम वो नहीं चुप कराते हैं एक को चुप कराओ दूसरा रो जाता है दूसरा चुप कराओ तीसरा रो जाता है क्योंकि अब वो भी कुछ अब उनकी भी तो गलती नहीं है ना वो भी तो परेशानी हो रहा है ना तो इसलिए पता क्या होता है इन सब बीच में ना सब कुछ मुझे फेस करना पड़ जाता है क्योंकि सोनू जी को भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है फिर वो ना बच्चे को गुस्सा करते हैं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो इसलिए
परेशान हो, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है गाइस हमें। हम पता है क्या, अब देखो इतनी परेशानी चल रही है, वहाँ बच्चे इतने परेशान कर रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, और मैं उस टाइम ब्लॉग पे शूट कर नहीं सकती, तो इसलिए ना वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल ही नहीं पाती। मेन चीजें ना वही होते जो जो हमें बच्चे जो इतना ज्यादा परेशान करते हैं, वो चीजें हम आपको दिखाई नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम भी हम सोचते हैं कि हम खुद एडजस्ट पहले कर ले, पहले बच्चों को हम संभाल ले, उसके बाद ब्लॉग वगैरह, तो बाद में सोचते ही नहीं है हम। तो गाइस अब मैं बहुत बातें करती हूँ, ये देखो ये मैंने अभी, ये रात की तैयारी है, दूध उबाल के लास्ट काम में रहता है, दूध उबाल के सोना और बॉटल्स सारी रेडी कर देना। मेरी बॉटल सारी रेडी कर देना, आज तो मेरे किचन भी नहीं क्लीन करता है, बट अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं कोई काम नहीं करने आ रही। नाइस लाइट चल जाती है, एक इस फैन का थोड़ा बहुत सहारा होता है, बहुत ही अमेजिंग है। बच्चा अगर सो रहे हो ना तो मैं वहाँ पे चला देती हूँ, तो अभी मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए इसको लाइव अभी लेके आए हैं, तो अभी दोबारा, बल्कि अभी दोबारा लाइट चली गई थी वहाँ पे आने के बाद, अभी एक डेढ़ बजे करीब दोबारा लाइट चली गई। अब मैं फिर दिमाग खराब, फिर बच्चे परेशान करने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ, फिर मैंने इसी फैन को चलाया था, फिर थोड़ी देर ज़्यादा देर गई, 20 मिनट बाद फिर आ गई थी। ऐसे ऐसे दिमाग खराब होता है। अब मैंने कहा इस लास्ट काम रह जाता है बच्चों को सुलाने के, अंदर कि देख लो कि सुबह कूड़े वाली आती है तो कूड़ा वगैरह किचन का जितना कूड़ा होता है सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं बाहर रख देती हूँ, और वो सुबह कूड़े वाली आके ले जाती है, तो वही मैं अभी सुबह सारा कूड़ा वगैरह सब इकट्ठा करने के लिए आई थी यहाँ पे। मैंने कहा चलो बच्चे तो सो गए, चलो मैं थोड़ा जाके किचन में काम कर लूँ, और रात के 2 बजे से पता रात के 2 बजे मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और गाइस वीडियो पे जो जो मैंने वीडियो डाली है कपड़े वाली मार्केट की, उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आए, मुझे बहुत खुशी मिलती है, कमेंट पढ़ के अच्छे 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 कमेंट आते हैं तो मुझे और खुशी मिलती है पढ़ के ना, अच्छा लगता है। आज तो मेरा ना कोई भी काम नहीं हो पाया, फटाफट से पहले मैं सारा कूड़ा जो है वही इकट्ठा करता हूँ। इस बच्चों का बर्थडे भी आने वाला है, बस 1 महीना और है अभी बर्थडे आने में, देखो बर्थडे तक क्या मेरा कैसा क्या रहता है बर्थडे सेलिब्रेट करने का। सब लोग कहते कमेंट कमेंट करके करें आप एक मेड रख लो, आप इतने भी गरीब भी नहीं हो कि एक मेड ना रख सको। अरे भाई तो मैं बेफिजूल के मेड रख लूँ क्या, मेरे को पैसे के काटने को थोड़ी दौड़ रहे हैं कि हाँ मेरे को पैसे एक्स्ट्रा पड़े हैं मैं मेड रख लूँ। अरे मैं क्या करूँगी पूरे दिन, मेरे को क्या करना, मेरे को तो मैं तो बैठ थोड़े रहना, मेरे को सारे थोड़ी खराब करना मुझे अपना। जब लगेगा कि हाँ मेड रखनी चाहिए तब रखेंगे, अभी क्या नीड है मुझे, अभी तो मैं अपना मस्त कर रही हूँ, संभाल रही हूँ, काम कर रही हूँ। हाँ थोड़ी बहुत परेशानी होती है कभी कभी, पर ठीक है औरत है तो परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना। दूध गिरा दिया तो सारा कूड़ा रखते हैं बाहर, और बारिश का मौसम हो रहा है, सुबह लगाऊंगी मैं उसमें सब्जी में तरी, क्योंकि अभी तरी नहीं लगाया तो सुबह तरी लगाऊंगी मैं सोचती हूँ। चलते गाइस बाहर रखते हैं इस कूड़े को। गाइस पता है मेरा फोन खराब हो गया था अभी अभी, हम उधर करोल बाग गए थे फोन ठीक कराने के लिए, तो चलो गाइस रख गए मैंने कूड़ा बाहर, चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि सोऊंगी नहीं तो सुबह उठूंगी कैसे, और बच्चे तो वैसे पूरी रात उठाते रहते हैं मुझे, फटाफट से चलते हैं सोने के लिए, और बाकी की बात करेंगे आपसे सुबह। सुबह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुड्डों को भी हम डॉक्टर के पास लेके गए थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी में गई थी, सीधा मार्केट से आते साथ ही मैं डॉक्टर के पास उसको लेके जाना पड़ा था मुझे, तो इसलिए मैं जो है ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में निकलना था ना। तो मैं बताऊंगी कि गुड्डों को मैं हॉस्पिटल क्यों लेके गई थी, क्या दिक्कत आ गई थी कल से जिसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मुझे, और क्या क्या दवाइयाँ मुझे दी गई है। चलते हैं
गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। तो गाइस गुड मॉर्निंग, मेरी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी भी मैंने सोनू जी को भेजा है और मैं बना रही थी सब्जी जो रात को मैंने पेंडिंग छोड़ी थी, सब्जी बना ली थी फटाफट से। बच्चे तो सो रहे हैं, बच्चे भी नहीं उठेंगे और फिर मैं जाऊंगी दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध में बच्चों को छोड़ के फिर दूध लेने जाती हूँ। दिखा देते हो, बच्चे सो रहे हैं। सोने में लग रहे हैं, मस्त मस्त वाली नींद, अभी नहीं उठेंगे वो। तो जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, फटाफट सब्जी बनाऊंगी और फिर सारा काम बर्तन वगैरह सब धो तक, जब उठ जाता है उसके बाद काम होल्ड हो जाता है मेरा। जब तक नहीं उठे तब तक तो खैर दूध वगैरह लेके आऊँगी, सब्जी वगैरह रेडी हो जाएगी। गाइस फिर से लाइट चली गई और बहुत देर हो गई, डेढ़ दो घंटे हो गए लाइट गई हुए। तो गुड्डो उठे थे, तो मैं काम ही कर रही थी उस टाइम पर, तो गुड्डो उठ रही थी, पर उतने में फिर नाना आ गए थे, तो गुड्डो चली गई नाना के साथ घर। और ये गगन अभी उठा है सो के, तो उठ के साथ मैंने उसको पहले दूध दिया है क्योंकि भूखा था बहुत देर का, तो रो रहा था ये, तो इसको दूध दिया। और अभी गौरव जो है वो सो रहा है, इमरजेंसी फ़ैन लगा के मैंने सुला रखा है, दिखाती हूँ आपको। उसकी भी बैटरी एक की तो डाउन हो गई है और दूसरे की डाउन होने वाली है, वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी अभी। तो गर्मी इतनी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है गर्मी के चक्कर में। मैं सोच रही हूँ क्या इन दोनों को लेके मैं भी मम्मी के घर चली जाऊँ, क्योंकि गुड्डो तो चाह चुके हैं मम्मी के घर। मैं सोच रही हूँ इनको भी लेके मम्मी के घर चली जाऊँ, पूरा अंधेरा है, कुछ क्या कर रही हूँ मैं भी यहाँ बैठ के। मैं बाहर ही बैठी हूँ, देखो गेट में बाहर बैठी हुई हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आती रहती है, थोड़ी हवा आती रहती है, तो इसलिए यहाँ बैठी गई हूँ मैं भी। पर सोच रही हूँ कि मम्मी के घर चली जाऊँ दोनों को लेके। गुड्डो तो चली गई, अगर तीनों भी होते तो मैं तीनों को मतलब गली के बाहर ही रिक्शा होता है, रिक्शे बैठा के और मम्मी के घर के बाहर उतर जाती हूँ। पर अभी तो दो हैं, तो दो को लेकर तो मैं इजीली जा सकती हूँ, तो सोच रही हूँ मम्मी घर चली जाऊँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक तो लाइट की उम्मीद कर रही हूँ कि लाइट आ जाए, तो फिर मैं ना जाऊँ, जो बच्चा को जो काम है वो निपटा लूँ मैं फटाफट से। एक तो टंकी में पानी ख़त्म हो गया, मेरे बर्तन सारे ऐसे छह गए, क्योंकि पानी आज शाम को पानी आएगा ना इसलिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिट्टी को गर्मी लग रही है, गर्मी हैं, गर्मी लग रही है, चले नानी के घर चले। पहले दूध फेंक, ऐसे बोतल कौन फेंकता है, देखना ऐसे बोतल कौन फेंकता है बेटा। ओले मेरे गुग्गी को नींद नहीं आ रही है अभी, चलो नानी के घर चलते हैं, वहाँ जाके आप थोड़ा आराम कर लेना, ठीक है, और वहाँ पे नहीं नहीं भी करेंगे, चलो नानी के घर नहीं नहीं करूँगी। तो गाइस मैं सोच रही हूँ चलिए जाऊँ नानी के घर गौरव को उठा के, क्योंकि अंधेरे में बच्चे परेशान हो जाते हैं ना गर्मी में, तो कहते हैं ना रहने की आदत नहीं होती तो और ज़्यादा हो जाते हैं। चलो 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 नानी के घर चलते हैं। गोगी की चप्पल कहाँ है, मेरे कितने पसंद पसंद हो रही लोग। हाँ चलो चल रहे चलो चलो चलो। तो गाइस दो दूध ले जाती हूँ क्योंकि बर्फ जमा हुआ है पूरा वहाँ पे, फिर मांगेंगे बच्चे। वैसे तो खैर नहीं मांगेंगे, मैं खाना वाना बना के खिलाऊंगी, बट फिर भी इमरजेंसी, हमें भी नहीं पता हमें कब तक रुकना पड़ जाएगा वहाँ पे। हाँ जी चल रहे हैं भाई साहब, ये लड़का तो मुझे बहुत दुखी करता है, जब इसको रेडी कर दो। चल रहे हो बेटा, दो मिनट तो दो एटलीस्ट, सामान ना पैक करो, फिर आप वहाँ पे कोको क्या पियोगे। गुड्डो गई है, गुड्डो भी को भी दूध चाहिए होगा। वन सेकेंड, चल रही फटाफट से मामा पैक कर ले सामान, है आपकी निपल वगैरह तो बेटा दूध तो वहां पे चाहिए होता है ना, वैसे मामा कुछ बना के भी खिला देंगे आपको, बट फिर भी गैस मैं इमरजेंसी दूध लेके जाती हूँ साथ में, कि नहीं कुछ मिल पाया तो इडली बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा ना। चलो नानी के घर जाएंगे, कुकू हम पियेंगे पन्नी दूध, किसमें रखे बेटो। गाइस एक तो गर्मी लग रही है और ऊपर से बच्चे ऐसे रो रहे हो। अच्छा अच्छा, और रो के दिखाओ आप, हैं कि आप, आपसे बदमाश बच्चा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, जैसे कि
और भाई कुछ रखूंगी मैं इनके पैंटीज वगैरह, क्योंकि अभी तो डायपर तो नहीं पहनाते ना, रात के डायपर वगैरह खोल के मैंने गौरव को भी नहा दिया है ताकि तू गर्मी में खाना ना नहा के नला धुला के कपड़े पहन लेंगे धूप में। और दो चार पैंटीज वगैरह डाल देती हूँ इनकी और गुड्डो को भी। आओ चलो ये देखो गुड्डी को तो नला धुला के। अरे चल रहे भाई भाई, सबसे बदमाश बच्चा मेरा यही है एक। वो भी तो है बेटा, वो भी तो जाने के लिए तैयार है। आप क्यों बदमाशी करते हो आप ये बताओ। चलो खड़े हो जाओ पापा, बस दो मिनट तो दो, एटलीस्ट पैंटीज वगैरह तो रख ले। वहाँ पे जाओगे शिशु वगैरह करोगे तो क्या क्या पहनोगे। गरन गौरव चलो बाहर, चलो चलो बाहर मानी मिले, चलो चलो मम्मा लॉक करे, चलो बाहर चलो। गाइस देखो यहाँ आके भी वो ड्रामे करे, वो देखो आ फटाफट। हाय हाय मुद्दा छूछू कर दे, आज छूछू करने के लिए रो रहा हूँ। ये देखो मौसम तो ऑलरेडी चीज लेके खड़े, बिगाड़ने में तो मौसम का हाथ सबसे पहले होता है और साथ में मौसम का भी हाथ होता है। गाइस अच्छा मैं आ गई क्योंकि ना इसको पोलियो पिलाना था, गली में पता लगा कि पोलियो पिलाते को तो अभी पोलियो पी के आएगा। अब मैं जा रही हूँ गुड्डो को भी पिलाने के लिए, गुड्डो भी पिलेंगे। हाँ जी फाड़ दूँ, जा मौसम बोलो खाने जा, मौसी को पता मुझे फाड़ देंगे। चल गुड्डो चल पोलियो पिला के, चल आपको भी चलो। तो गाइस बच्चों को मैं घर पर ही छोड़ के आ गई थी, जैसे कि आप सबको पता है मम्मी के घर जा रही थी मैं, और वही उनको छोड़ के आई। फिर आज मेरे घर के ना कम से कम ये लगा लो कि मैं पहले गौरव को और गगन को लेके गई यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं वापसी आई सब्जी लेने के लिए घर पे, फिर सब्जी लेके फिर गई, फिर घर साफ करने के लिए फिर दोबारा आई, अब फिर घर जाऊँगी फिर बच्चों को लेके आऊँ। इतने सारे चक्कर लग गए मेरे घर के आज मैं, क्योंकि ना जैसे कि आप सबको पता लाइट चली गई थी तो मैं काम नहीं किया था मैंने बिल्कुल भी, मैंने अब पूरा मेरा घर ऐसे सारा फैला पड़ा था, तो फिर मैंने भी आके फिर सारा समेटा, सारा कपड़े वगैरह सब चाय वाले झाड़ू पोछा सिर्फ बर्तन ले गया, बर्तन धो के फिर मैं नहा के चली जाऊँगी अभी दोबारा से लेने के लिए बच्चों को। अभी भी सारा साफ किया मैंने, अब बच्चे आएंगे फिर सारा वॉश वगैरह सब धोया, फिर बच्चे आएंगे फिर सारा फैला देंगे देखना। यही तो होता है, अब मैं जा रही हूँ बस किचन साफ करने लगे, बर्तन धोऊँगी बस छुट्टी, फिर मैं नहा के निकल जाऊँगी। तो गाइस ये देखो हमारे गुड्डे को तैयार किया जा रहा है, वो भी कहाँ ले जाने के लिए भाई, मेला जा रहे हैं हम माँ बेटी बस। अब देखो माँ बेटी की देखो गाइस, मैंने बोला था इनको चलने के लिए बट ये ना काम पे से आए थके आ रहे हैं तो नहीं जा रहे, फिर मैं अकेले भी तीन बच्चों को लेकर नहीं जा सकती ना, वो भी मेला जैसी जगह पे बड़ी वक्त हो गया। तो अरे तो मैं ये देखो दो यही रहेंगे, ये देखो गुड्डो, हे गुड्डो क्या लेके आओगे मेले में? बड़ी है वो चप्पल, कहाँ है गुड्डो तुम्हारी चप्पल कहाँ है? इनको दिखा कर रहे हो क्या, तैयार हो चुके हैं वो दोनों, पीछे हो जाएंगे मेरे। चप्पल कहाँ गुड्डू चप्पल? दे
के देखती हूँ। वैसे ये और ये दोनों इस पर 25 की मौसी ने जीता थे। बुटम क्या खेल रहे थे? कैसा लग रहा आपको जीत के? ये जीता नहीं, जीता तो बस फ्रूटी है, बस ये फ्रूटी जीता। तो और ये भैया आपके रिश्तेदार लग रहे थे भैया।